दोस्तों, आज बड़ी संख्या में युवा लोग सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो मेरी ये जो बातचीत है वो उसी संदर्भ में है। हाउ टू स्टार्ट अ सोशल एंटरप्राइज, एक सामाजिक उद्यमिता की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस दिशा में सोच रहे हैं। मुझे अक्सर युवाओं के फ़ोन आते हैं कि मैं कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे देश और समाज का भला हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, चूँकि आपकी सामाजिक उद्यमिता में रुचि है इसलिए बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सामाजिक उद्यमिता की शुरुआत का लिए सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में देखिए। जैसे कई लोग कहते हैं साहब, भुखमरी सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, कोई कहता है शिक्षा की कमी सबसे बड़ी समस्या है, कोई कहता है स्किल सेट की कमी सबसे बड़ी समस्या है। तो पता करिए, आपको क्या लगता है, जहां आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, और उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अगर वो समस्या वाकई बहुत गंभीर स्वरूप ले रही है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपके पास वो साधन है, क्या आपके पास वो क्षमता है। तो सबसे पहला काम है उस समस्या को चिन्हित करने का प्रयास करें जिसके लिए आप काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं। आपके दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे इस समस्या के लिए काम करना है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक कलीग थे, प्रोफेसर, वो भी प्रोफेसर थे, उनकी बड़ी इच्छा थी शिक्षा को बढ़ावा देने की। उन्होंने एक स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ग्रुप को देखा, बच्चों को देखा जो स्कूल नहीं जा पाते थे। और स्कूल क्यों नहीं जा पाते थे, क्योंकि स्कूल लगती थी सुबह और वो बच्चे सुबह अखबार बांटना और इस प्रकार के दूसरे काम करते थे, तो उनको समय नहीं मिल पाता था। उन प्रोफेसर साहब ने सोचा, क्यों नहीं इन विद्यार्थियों के लिए एक इवनिंग स्कूल शुरू करें, और उन्होंने एक इवनिंग स्कूल की शुरुआत की। वो घर घर जाते, बच्चों को बुलाते कि बेटी के आप दिन भर अपना काम करो, शाम को मेरी स्कूल में आओ, और बहुत नॉमिनल फीस पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे ही उनका काम फैलता गया। उनके इन प्रयासों से उन बच्चों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई जो अदरवाइज पढ़ नहीं सकते थे। वो बच्चे खूब पढ़े, तरक्की की, उनको सरकारी नौकरियां भी मिल गई। इसके पीछे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एक पूरी अप्रोच प्रोफेसर साहब के दिमाग की रही, और एक ऐसा प्रयास रहा जिसका मकसद था उन बच्चों की मदद करना जिनकी मदद करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ये देखा कि जो परंपरागत स्कूल्स हैं वो सुबह चलते हैं, लेकिन जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे मजदूरी करते हैं, जो बच्चे सुबह सुबह अखबार बांटने का काम करते हैं, वो बच्चे सुबह तो नहीं आ सकते, और उनके घर वालों के लिए वही सहारा है। उन्होंने इसका एक समाधान ये निकाला, इवनिंग स्कूल, और उसके लिए वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते, घर के लोगों को रिक्वेस्ट करते, और सफल हुए। बच्चे सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, और पारिवारिक परिस्थितियाँ, गंभीर आर्थिक स्थितियाँ उन बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही थी। तो प्रोफेसर साहब ने एक बड़ा अच्छा समाधान निकाला, उन बच्चों के लिए एक रास्ता निकाला जो पढ़ना चाहते थे लेकिन जिनके पास कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार आप भी देखिए अपने आसपास एक निरीक्षण करिए, पता लगाइए कि क्या किसी रूप में आप किसी सामाजिक समस्या का या किसी एक्यूट प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं, क्या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप देश, समाज और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकें। अगर ऐसा कुछ कर सकें तो शुरुआत करिए। पीपल आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू।